सबसे पहले सिद्धार्थ नानसिक जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये कहना है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, कि आपने भी तो सीमाएं सील की थी, कहा कि कोरोना मरीज दिल्ली से हमारे राज्य में आ जा रहे हैं, हमारा आंकड़ा बढ़ रहा है, हम सीमाएं सील कर लेंगे। तो आज जब वो दिल्ली वालों की चिंता करने के लिए सीमाएं सील कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है सिद्धार्थनाथ सिंह जी? देखिए, ये कोई वो तो गेम तो है नहीं कि सील कर दो अनसील कर दो। उसका कारण था, दिल्ली वाले भी ये कारण बता देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कारण ये था कि आज भी हम लोगों के यहाँ नोएडा के अंदर, विशेष रूप से जहां आप भी बैठे हैं अंजना जी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जितने भी COVID-19 पॉजिटिव आए हैं, 43% वो दिल्ली से कनेक्शन है, इसलिए हमें सील करना पड़ा, हमने उस तरफ किया। अब ये रिवर्स में दिल्ली वाले बता दें हमें कि ये कारण था जिसके कारण उनको करना पड़ रहा था, तो मैं मान सकता हूं, मगर कारण होना चाहिए, एक लॉजिक लॉजिकल कोई चीजें निर्णय पे लाने के पहले या उसका निर्णय लेने के पहले सब कुछ सोचना चाहिए। इसीलिए वो कंटेनमेंट रेड जोन बनाए गए, क्योंकि कहां से प्रभावित हो रहा है। कारण ये था, हमें कोई शौक थोड़ी है, हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं तो मंत्री हूँ एमएसएमई का, मैं इंडस्ट्रीज का देखता हूँ, मुझे तो बड़ी कठिनाई हुई है, क्योंकि काफी लोग वहां से आना भी चाहते थे, मगर मैं उनको कुछ परमिशन नहीं दे पा रहा था, विशेष रूप से क्योंकि ये कारण था कि हम लोगों को रोकना पड़ा था। दिल्ली से बहुत बड़ा फ्लो, और मैंने आपको आंकड़े दिए 43% का, वो दिल्ली से ही हम लोग को प्रभावित कर रहा था। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, अनिल जी के पास जाने से पहले एक और सवाल है आपसे। उनका यह कहना है कि अस्पतालों में यहां पर हमने दिल्ली वालों के लिए तैयारी की हुई है, कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा अगर देश में इस वक्त है तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर दिल्ली राज्य हो गया है। उनका कहना है कि अस्पतालों में अगर हम बेड्स प्राथमिकता से दिल्ली वालों के लिए नहीं रखेंगे, आसपास के राज्यों से इलाज के लिए सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा फैसला लेना पड़ रहा है, ये उनकी दलील है इसके पीछे। देखिए, ये उचित नहीं है, ये इस तरह का कोई निर्णय राज्य सरकारें लेंगी तो ये सही नहीं है। देश सबका है, दिल्ली भी सबकी है, उसी प्रकार से मुंबई भी है, लखनऊ भी है, सभी का है, तो इस प्रकार का निर्णय सही नहीं है, मेरा ये मानना है। मगर दिल्ली के सरकार को व्यवस्था और अच्छी करनी चाहिए थी, ये उस पर इन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से क्योंकि ये मैं आज भी मानता हूं कि ये दिल्ली में कोविड है, लखनऊ यूपी नहीं है, हरियाणा है, इस तरह हम बांट के चलेंगे तो लड़ाई हमारी वीक हो जाएगी, तो ये सही नहीं है। मगर हर राज्य को अपना अच्छी तरह से काम करना चाहिए, सब कर रहे हैं, हो सकता है कहीं कमियां हैं, उस कमियों को दूर करें। दिल्ली को कमियां अपनी ढूंढनी चाहिए, उस पर सुधार करना चाहिए, चाहे वो बेड्स एक्स्ट्रा क्रिएट करने हैं। आज उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि से सब लोग बोलते थे बड़ा कमजोर है, मगर अंजना जी, आज हमने 1,00,000 अपने यहाँ क्वारंटाइन बेड्स तैयार कर रखे हैं। क्यों तैयार कर रखे हैं? इसलिए कर रखे, कभी ये महामारी बढ़ गई तो हम कहाँ जाएंगे, तो हमने इसकी व्यवस्था करी है। तो हर जगह सबको ये करना चाहिए था, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, सबको अपना करना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है सबको जो कमियां हैं उस पे ध्यान दें और लड़ाई कम करें। अनिल विज साहब, आपके पास आते हुए यही शिकायत उनकी हरियाणा सरकार से भी है। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार में मामले ज्यादा होने लगे तो उन्होंने बॉर्डर सील कर दिया और कहा कि नहीं, दिल्ली से आ रहा है, इसे दिल्ली वालों को नहीं आने देंगे। अब दिल्ली वालों की चिंता दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? वो एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार थे। एमएचए ने जब सेंट्रल स्टेट मूवमेंट को बंद किया, हमने सब किए, और जब हमने बंद किए तब ये हमें उपदेश देते थे, पर उपदेश कुशल बहुत ही रहे कि दूसरों को उपदेश देना। अब एमएचए ने कहा खोल दो तो हमने खोल दिए, परंतु जब एमएचए ने बंद करने के लिए कहा तो ये रोजाना खोलने के लिए ज्ञान बांटते थे, रोज कहते थे कि ये सारा देश ठीक है, इस प्रकार से किसी को बंद करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आम आदमी के आने जाने के लिए एमएचए ने कभी भी इजाजत नहीं दी।
एमएलए ने केवल कुछ कैटेगरीज को इजाजत दी थी और उन कैटेगरीज को हम अलाउ भी कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने जब केंद्र ने कहा, क्योंकि इन्होंने तो उल्टा चलना है, इनको सीधा चलना आता नहीं है, इन्होंने जब केंद्र ने कहा बंद कर दो तो इन्होंने कहा खोल दो, अब केंद्र ने कहा है कि खोल दो सारी, उन्होंने कहा इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट सारी मूवमेंट खोल दो, तो अब इन्होंने बंद कर दिए। इनका एक ही मकसद है, इन्होंने कुछ नहीं लेना दिल्ली की जनता के साथ, इनका एक ही मकसद है कि केंद्र सरकार के उल्टे चलना है, केंद्र सरकार के अगेंस्ट चलना।